आदाब नाजरीन, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी और आप देख रहे हैं आरएन टुडे न्यूज़। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बिजनौर जनपद के नूरपुर में पहुंचे, जिनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी के सामाजिक न्याय यात्रा का समापन समारोही पश्चिम उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नूरपुर में समापन किया गया। बिजनौर जनपद में आज खालसा इंटर कॉलेज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा का समापन बिजनौर जनपद के नूरपुर में माननीय विधायक राम अवतार सैनी के नूरपुर विधानसभा में समापन किया। समापन यात्रा में समाजवादी के कार्यकर्ता और ग्राउंड में पहुंचे हजारों की तादाद में दर्शकों ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जब समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, कई योजनाओं का गरीबों और असहाय लोगों को लाभ मिलता था। अब गरीब और असहाय लोगों को उन्हीं योजनाओं से वंचित रहते हैं और पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिलता है। ऐसी तमाम बातों पर विस्तार पूर्वक अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए 2024 में होने वाले चुनाव में भाजपा को समाजवादी पार्टी हराने का काम करेगी। कार्यकर्ताओं ने भी और मंच पर बैठे विधायक और सांसदों ने अखिलेश यादव का हौसला बढ़ाया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में समाजवादी सामाजिक न्याय यात्रा का आज माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा बिजनौर जनपद के नूरपुर में समापन किया गया। देखिए हमारे संवाददाता इसरार अहमद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री जी को झूठ बोलना होता है, जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, जब उन्हें झूठ बोलना पड़ता है या बोलना होता है तो अंग्रेजी में बोलते हैं। हमारी आम जनता समझ ना पाए इसलिए अंग्रेजी में बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि हमारी रेवेन्यू सरप्लस इकोनॉमी है। हमारे पत्रकार साथियों बताओ, यही कहा कि नहीं कहा? अभी एक दिन मैंने पढ़ा अखबार में कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पहली बार आजादी के बाद उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी सरप्लस में आ गई है, रेवेन्यू सरप्लस में है। बताओ हमारे जौनपुर के भाइयों बहनों, कितने लोगों को समझ में आ गया होगा? हमारे मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था को कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है। हम तो कहेंगे कि पत्रकार साथी हमें समझाओ जीरो टॉलरेंस क्या है। कोई बताए हमें कि जीरो टॉलरेंस क्या है? अरे आप नहीं समाज जा पा रहे हो तो कोई अधिकारी तो होगा या बड़ा, वही हमें बता दे कि जीरो टॉलरेंस क्या है। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना, जब इन्हें झूठ बोलना होता है, आम जनता को समझ में नहीं आए तो हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि हमारा रेवेन्यू सरप्लस है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो बताओ हमें डीजल पेट्रोल महंगा क्यों मिल रहा है? अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो बताओ जो सिलेंडर फ्री दिए गए थे वह आज सस्ते क्यों नहीं है? आज भी उनसे सरकार पैसा वसूल रही है। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो आपको कौन रोकता है कि हमारे किसानों को गन्ने की कीमत ना बढ़ा दी जाए? अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो हमारे किसानों के गन्ने की कीमत बढ़नी चाहिए, और कम से कम इतनी बढ़नी चाहिए कि जितना बाजार में महंगाई है, कम से कम अगर वो गन्ना चीनी मिलों के पास भेजता है तो थोड़ी बहुत उसकी गरीबी दूर हो जाए। कम से कम गन्ने की कीमत इतनी देनी चाहिए सरकार को। और अगर रेवेन्यू सरप्लस है तो हमारे नौजवान एक खाली हाथ क्यों बैठे हुए हैं? नौकरी क्यों नहीं इनके हाथ में? मैंने विधानसभा में पूछा उनसे, उन्होंने जब अपना बजट पढ़ा और कहा कि उत्तर प्रदेश में केवल 4% रोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है,
तो याद रखना, जब अंग्रेजी में बोले तो झूठ बोल रहे होते हैं, अगर हम उसको हिंदी में कर रहे हैं और समझने की कोशिश करें तो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सौ में केवल 4 बेरोजगार हैं। बताओ रोड वालों, हम बात ही मान लें कि न मान लें, क्या 4 ही बेरोजगार हैं क्या? किसी गांव में चले जाओ आप, हो सकता है पूरा गांव बेरोजगार बैठा हो खेती के भरोसे, किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही। इसलिए साथियों हम आपसे कहना चाहते हैं, ये जीरो टॉलरेंस वाले लोग बहुत अन्याय कर रहे हैं और अन्याय की सब सीमा ला रहे हैं। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसा भी अन्याय होगा कि अगर समाजवादी पार्टी के लोग हैं तो मुकदमा लगेगा उन पर, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 4, अगर कोर्ट राहत दे दे रहा है तो ये नई चार्जशीट तैयार रखते हैं, उधर आपको बेल मिली इधर चार्जशीट नहीं लगा दी, ये नए तरह का जीरो टॉलरेंस सरकार में काम हो रहा है। मैं कानपुर की घटना बताना चाहता हूं आपको, एक किसान गरीब जिसकी जमीन का सौदा बीजेपी के लोगों ने कर लिया, बीजेपी के नेताओं ने कहा कि हम तुम्हें 6 करोड़ रुपए देंगे, गरीब किसान जिसके पास घर नहीं कुछ नहीं, उसे लगा कि हमारी जमीन चली बिक जाएगी तो हम आरा हमारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल आरएन टुडे को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।